सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। भदोही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद शमीम खान के द्वारा नगर निकाय चुनाव की समीक्षा आज नगर में हुई। पार्टी के कार्यकर्ताओं और भावी प्रत्याशी सुहेल अहमद अंसारी के साथ बैठकर जीत की रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भदोही बद्रे आलम साहब ने शमीम खान के हाथों IMIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण की व क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी व नेता जहीर भाई और चुना ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जनता महसूस कर रही है कि हमारी केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही करते हैं। दलित और पिछड़े समाज के लोग तेजी से पार्टी से जुड़ रहे हैं। विरोधी पार्टी के लोग तमाम नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। अगर कार्यकर्ताओं ने सिस्टम से मेहनत कर दिया तो उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। इस अवसर पर यूथ के प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद सलमान हाशमी, जिला संगठन प्रभारी बलिया मोहम्मद नसीम खान, जिला महासचिव हाजी कैश, जिला सचिव सरफराज नवाज, नगर सचिव बाबू अशरफ, वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद जुल्फिकार, मोहसिन कमाल, रजा मोहम्मद, मोहम्मद नसीम खान, महबूब आलम, अरमान खान, दानिश अंसारी, अयूब अंसारी, जियाउद्दीन अंसारी, करीम अंसारी इत्यादि लोग मौजूद रहे। आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार नगर के संभावित प्रत्याशी हाजी सुहेल अहमद अंसारी ने किया।